Hey, what's up guys, this is Paish and आज की वीडियो में हम बात करने वाले HP के K300 कीबोर्ड की। वेल, ये कीबोर्ड मैंने कितने का खरीदा, क्या है, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कैसा ये कीबोर्ड है, कितने प्राइस में मुझे मिला एंड कैसे इसकी क्वालिटी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड मेरे पास इस रेंज में बहुत सारे ऑप्शन थे बट मैंने ये वाला खरीदा, इस सभी चीज़ों के ऊपर हम कंप्लीटली बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को आप आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी बहुत हेल्प की आपकी जरूरत है। वीडियो को हम चालू करते हैं इंट्रो के बाद। वेल गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा 649 रुपीज़ में। रिसेंटली मेरे को जो सेल चल रही थी अमेजोन पे, ये अभी अपने सितंबर अक्टूबर वाली, तो इसमें मैंने खरीदा था। तो अभी से देखते ही बाकी बात करें जाए सबसे पहले पैकिंग की, तो एकदम घटिया थर्ड क्लास पैकिंग आई है। मतलब कुछ सेफ्टी वाला काम ही नहीं था कि बंदा, मतलब उन्होंने बस इसको एक रैपर में पैक करके दे दिया। इसमें कुछ प्रोटेक्शन वाली पॉलीथीन जो रहती है वो मेम्ब्रेन वाली दबने वाली, वो कुछ भी नहीं, बबल्स वाली पॉलीथीन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कार्डबोर्ड से कुछ पैकिंग है, कुछ भी नहीं पैक किया, बस इन्होंने ऐसे ही दे दिया। एंड सबसे घटिया पैकिंग अमेजोन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलता है। बट हमारा प्रोडक्ट की पैकिंग काफ़ी अच्छी है। HP गेमिंग कीबोर्ड K300 नाम है इसका, एंड मेरे को ये पड़ा 649 रुपये का अमेजोन पर। गाइस, ये सब स्पेसिफिकेशन वगैरह होती है आपको अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें हैं। 104 बटन है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बाकी सभी चीज़ें आपको नॉर्मल बेसिक है, इनके ऊपर मैं बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, ये यहाँ से HP का सील पैक्ड है पूरी तरह से, एंड ये एकदम पैक्ड है, अभी तक निकाला नहीं गया, दैट्स वेरी फाइन। ओके, तो इसे मैं कट करता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट खरीदो ना, तो एक बार मतलब सील पैक्ड है कि नहीं चेक कर लिया करो, नहीं तो कोई यूज्ड वाला, कोई रिफर्बिश सर्विस वाला आपको ना बेच दे सेलर। अमेजोन तो कुछ नहीं करता, बाकी सेलर ऐसे करते हैं, तो इनको चेक कर लेना। तो एनीवे, अपन इसे ओपन कर दिया है लगभग। सो ये रहा हमारा कीबोर्ड, एंड यू नो पुराने तरीके जो अभी तक सभी यूट्यूबर्स करते हैं, सब लोग करते हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, इनको हम साइड में फेंक देंगे हमेशा की तरह, एंड मे बी डॉक्यूमेंटेशन पड़ता नहीं। ये HP का प्रोडक्ट सपोर्ट वाला कार्ड है, एंड दैट्स इट। एंड हाँ, इसे हम अनरैप करते हैं पॉलीथीन से, एंड वाओ, फर्स्ट लुक में तो आया गाइस, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में कि कैसा ये दिख रहा है। लेट मी इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द कैमरा सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द क्वालिटी इज। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू सी द क्वालिटी का, सी द क्वालिटी। केबल के लेंथ के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। सो ये जो बटन्स वगैरह है काफ़ी सॉफ्ट है, एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। मेरा जो पुराना कीबोर्ड था उसके बटन्स गए इतने टाइट हो गए थे, इवन उसको क्लीन करने के बाद भी मेरे को डिफ़िकल्टीज आ रही थी यूज़ करने में। वेल, इसके डब्बे में एक भी एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह कुछ भी मुझे इसमें देखने को नहीं मिले, तो एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह कुछ आते तो है नहीं। बट हाँ, ये RGB वाला है, अपन इसका देखेंगे RGB वगैरह कैसा क्या है उन सब चीज़ों को अच्छे से। बट मेन वाइज लाइक इस तरह का कीबोर्ड का लेआउट है, इस तरह का इसका लेआउट है। तो आप देख सकते हो नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल और विंडोज वाला यहाँ पे आपको वो दिया है, लाइटर दी है जो जलेगी आपको पता चलेगा। एनीवे, कि इसकी लेंथ की बात करते हैं कि क्या इसकी लेंथ है। सबसे बढ़िया ये रैपर मेरे को अच्छा लगा कि आप इसके हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हो, जितनी लेंथ चाहिए उतनी यूज़ कर लो। अब ये कीबोर्ड के हेल्प से मैं बता देता हूँ कितनी इसकी लेंथ है। ये देखो, एक बार ये रोटेट हो गए यहाँ से यहाँ पे जाके, एक बार, दो बार और ये तीन बार, ऑलमोस्ट तीन बार ये हो गया। तो केबल की जो लेंथ है, मतलब मैं अपने आंखों से भी देख रहा हूँ, तो काफ़ी लंबी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब मेरे टेबल पे एक कोने से लेके दूसरे कोने तक तो आराम से पहुँच जाएगा। तो ये केबल की लेंथ जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही है, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट हम इसे अपने लैपटॉप में प्लग इन करते हैं, उसकी क्वालिटी वगैरह देखेंगे हम कैसी है, क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। आई डोंट नो, मैं भी HP की तरफ से कीबोर्ड का कुछ सॉफ्टवेयर आता होगा तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर यहाँ पर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस, जैसा कि यू नो दिस इज RGB वाला कीबोर्ड, सो यहाँ पे लाइटें जल रही है। आई डोंट नो ये चेंज होती है कि नहीं लाइटें, बट एनीवे यहाँ पे नम लॉक एंड कैप्स लॉक थे ज़्यादा बटन दैट जो इससे आपकी लाइट ये है यहाँ पे इंडिकेटर काम कर रहे हैं। स्क्रॉल लॉक है और ये क्या विंडोज़ बटन, ये विन क्या है,
आई एम नॉट सॉरी विन वाला क्या है, आप लोगों को कैसे पता हो विन क्या है तो बताना मेरे को। विंडोज बटन दबाने में तो कुछ नहीं हो रहा है। लाइट्स आई डोंट नो, यू कांट कस्टमाइज द लाइट्स एज पर एज, मतलब मेरे को जितना दिख रहा है यू कांट कस्टमाइज द लाइट्स। तो आप कीबोर्ड को देख सकते हो कैसा दिख रहा है आपको, मैं और भी लाइटें बंद करता हूँ आपके लिए, देन यू विल एबल टू सी लाइक कैसा दिखता है। सो स्टार्टिंग में रेड वाला है, देन पर्पल है, देन थोड़ा ब्लू स्टोन है, देन यहाँ पे ऑरेंज स्टोन के साथ एट द एंड वी हैव द ग्रीन टोन। एंड या डेफिनेटली यू कांट कस्टमाइज इट बिकॉज यहाँ पे लाइट इफेक्ट चेंज करने का कोई बटन नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बटन्स के ऊपर भी लाइट जलती है। सो यहाँ पर बटन्स के ऊपर लाइट जलते तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कौन सा बटन क्या है। एंड द बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, इसकी क्वालिटी की, इसकी हैंडीनेस की, तो ये काफ़ी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको ये स्टैंड देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप कीबोर्ड को थोड़ा टिल्ट कर सकते हो। सो आफ्टर दैट ये तसा ही टिल्ट होता है गाइस, ठीक है, ये है। और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो नो डाउट गाइस एचपी का मटेरियल है, बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। एंड आई परचेज दिस लैपटॉप ओनली बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी। एंड इसकी कीबोर्ड के बटन्स आप नहीं निकाल पाओगे गाइस, निकालने का कुछ है नहीं, बट मेरे को डाउट है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो कचरा फंसेगा उसको कैसे निकालेंगे। सो आई एम नॉट एबल टू सी लाइक कुछ भी यहाँ पे निकालने का है तो निकाल नहीं पाओगे। प्रॉपर गेमिंग वाला नहीं है, बट या गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो क्योंकि बटन सॉफ्ट एकदम बढ़िया है। तो ये है गाइस मोटा मोटी रिव्यू इसका। एंड कीबोर्ड की साइज की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू माई लैपटॉप दिस इज द साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा आउटर जा रहा है लैपटॉप के। एंड हाँ, यू कैन ईजिली कैरी दिस इनटू योर स्कूल बैग्स और द लैपटॉप वाला बैग, यू कैन ईजिली कैरी, आपके बैग में आ जाएगा। सो आई होप ये मेरा रफ क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। If not, then dislike it. If you like the video, then like it. I'll meet you soon in the next video. Bye-bye.